गिरफ्तार है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं जरा समझिए एक बार। इस वक्त देश में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा मामले, 9,6,752 मामले सामने आ चुके हैं। 23,727 लोगों की देश में अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 63% है, ये राहत की खबर यहाँ पर नजर आती है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच दवाई और वैक्सीन दोनों पर भी तेजी से काम हो रहा है। अच्छी खबर हिंदुस्तान से आ रही है, भारतीय आईसीएमआर ने, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने आज देश को बड़ी खुशखबरी दी है। आईसीएमआर के मुताबिक कोविड 19 के लिए 2 देसी वैक्सीन यानी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है। तीनों खरगोशों पर इनकी टॉक्सिसिटी जल्दी सफल हुई है। अब दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की इजाजत मिल गई। आपको बता दें कि किस तरह से जो देसी वैक्सीन है वो कहां तक पहुंची है। जो वैक्सीन प्राप्त की अगर हम बात करें तो चूहों खरगोशों पर इसका परीक्षण सफल हुआ है और अब उम्मीद है कि ये दोनों देसी वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल पर भी ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट दे। 1,000 लोगों पर वैक्सीन का जो है वो ट्रायल होगा। तो जहां एक तरफ देसी वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है, वहीं दुनिया भर में जानलेवा वायरस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण और उससे मौत का आंकड़ा रोजाना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंसानों का डेथ वारंट साबित हो रहा है। इस वायरस से 7 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो करीब 6.5 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोरोना के चलते। क्या कुछ आंकड़े हैं दुनिया भर के कोरोना के, जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, अब तक लगभग 1,32,00,000 जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर 1,32,00,000 से ज्यादा है, 5,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना के चलते। पूरी दुनिया में करीब 50,00,000 एक्टिव केस इस वक्त भी है। मौजूदा स्थिति में 50,00,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पूरी दुनिया में। चलिए, इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। आपको बता दें वैक्सीन को लेकर वहां भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। विधवाओं पर ट्रायल कामयाब होने के बाद इसका इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। इसके साथ ही कोरोना वायरस पर लगाम कसने की उम्मीद भी अब बढ़ गई है। तो कहां तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलियाई वैक्सीन का जो काम है, उसकी डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इंसानों पर जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है। नीदरलैंड्स में जानवरों पर ट्रायल सफल रहा। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है और अब लास्ट स्टेज में मॉलिक्यूलर क्लैंप पर आधारित वैक्सीन का ट्रायल जो है वो हो रहा है। तो एक तरफ जहां वैक्सीन खोजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। जी हां, यहां इस वायरस से मरने वालों की तादाद कनाडा और अमेरिका से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना को रोकने के लिए सख्त कायदे कानूनों की कमी और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कोरोना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कोरोना से मौत के आंकड़े में तेजी से इजाफा भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण अमेरिका में किस तरीके से कोरोना का तांडव देखा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए जरा इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है। 1,44,000 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा